हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और मैं आपके लिए लेकर आया हूं बैंकिंग अवेयरनेस का एक नया वीडियो। तो इसको देखते हैं, हमने पिछली बार क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा बात करके आगे बढ़ते हैं। तो बैंकिंग अवेयरनेस में हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में कि कितने टाइप्स के बैंक है, टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में। और इस टाइप्स ऑफ बैंक में हमने देखा था कि हमने आरबीआई के अंडर में बहुत सारे अलग अलग तरीके के बैंकों का अध्ययन किया था। यानी हमने देखा था कि एक आरबीआई है, उसके अंदर कमर्शियल बैंक है, ये हमने सारे पढ़ लिए हैं। हमने देखा था कमर्शियल बैंक के बाद में डेवलपमेंट बैंक है, तो वो आप पुराना वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, वो पढ़ लिया था। और हम आज बात करेंगे कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। तो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज है कोऑपरेटिव बैंक्स, इन्हीं के बारे में बात करेंगे। बाकी ये हमने पढ़ लिए हैं डेवलपमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक हमने पढ़ लिए हैं, इवन कमर्शियल बैंक में हमने पब्लिक पढ़ लिए हैं, प्राइवेट पढ़ लिए हैं, प्राइवेट में भी इंडियन फॉरेन पब्लिक में भी एसबीआई नेशनलाइज बैंक, बहुत सारे बैंक हमने पढ़ लिए। आज हम बात करेंगे कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। तो सीधा टॉपिक पर आते हैं और कोऑपरेटिव बैंक में क्या चीजें हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिएगा कोऑपरेटिव बैंक, तो सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि कोऑपरेटिव क्या है, उसके बाद में हम बात करेंगे कि कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं। तो कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहकार, ये क्या है, सहकार से ही सहकारी बना है, कोऑपरेटिव या सहकारी भी आप बोल सकते हैं। तो देखिए सहकार एक तरीके का बिजनेस फॉर्मूला है, बिजनेस प्लान है, कैसे आप समझिएगा। आप ये देखते हैं कि एक बिजनेस कोई भी व्यक्ति चलाता है, दो व्यक्ति चलाते हैं, तीन व्यक्ति चलाते हैं, तो उनके बीच में एक अलग तरीके का बॉन्डिंग होता है। या तो एक व्यक्ति चलाएगा तो प्रॉपर्टरशिप होगा, दो व्यक्ति चलाएंगे तो उनका लीगल स्टेटस जो होगा वो पार्टनरशिप हो सकता है, तीन व्यक्ति चार व्यक्ति ज्यादा चलाएंगे तो कंपनी हो सकता है। यानी बिजनेस करने का एक अलग अलग तरीका होता है। उसी तरीके से अगर कोऑपरेटिव की हम बात करें तो ये भी बिजनेस का चलाने का एक तरीका ही है। अब देखिए अगर मैं आपसे कह दूं कि एक सोसाइटी में 20 लोगों ने मिलकर एक काम को हाथ में लिया और वो सारे मेंबर उस काम को चला रहे हैं, उनमें से कौन क्या होगा, किसकी क्या ड्यूटीज होगी, किसको कौन सा पद मिलेगा, वो आपस में चुनाव कर लेते हैं और काम चलाते रहते हैं। अगर ऐसा है या आपने कहीं पर भी ऐसा देखा है, जैसे किसी सोसाइटी में देखा है आपने, मैं रहने वाली सोसाइटी की बात कर रहा हूं, या आपने गोकुलधाम सोसाइटी तो सुनी ही होगी, उसी तरीके से किसी भी सोसाइटी में कहीं पर भी 25, 50, 100 लोगों का इकट्ठा हो जाना और उनके द्वारा आपस में मेंबरशिप लेकर एक दूसरे के सहयोग करते हुए एक दूसरे का भला करने का काम करने को काम ही हम बोलते हैं सहकार। ये सहकार किसी भी फील्ड में हो सकता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है, नहीं इकोनॉमिक कल्चरल सोशल कुछ भी काम आप अगर करते हैं तो सहकार ही कहलाएगा। तो सहकार की परिभाषा हम एक्चुअली ये दे सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, और ये ग्रुप ऑफ पीपल यूनाइट होते हैं किस काम के लिए यूनाइट होते हैं, कॉमन सोशल इकोनॉमिक कल्चरल सोशल इकोनॉमिक कल्चरल गोल्स के लिए। यानी इन सब का ये सहकार क्या है, एक्चुअली ये कोऑपरेटिव ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि यूनाइट होते हैं किसके लिए, कॉमन गोल के लिए। और कॉमन गोल कौन सा, चाहे वो सोशल इकोनॉमिक कल्चरल कोई सा भी गोल हो सकता है, उसके लिए यूनाइट होते हैं और उसके लिए एक डेमोक्रेटिक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर उसको चलाते हैं, उसी को हम सहकार बोलते हैं। अब आप जैसे देखिए, मैंने आपको सोशल भी बोला, इकोनॉमिक भी बोला, कल्चरल भी बोला, तो ये तो हुआ सहकार। अब आप देखिए कि कई सारे बैंक जो है हम उनको बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक, तो आप ऐसे समझिएगा कि कोई ग्रुप ऑफ पीपल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या हुई, कोऑपरेटिव तरीके से बिजनेस करने के लिए ग्रुप ऑफ पीपल, कोऑपरेटिव तरीके से, सहकारी तरीके से, यानी पार्टनरशिप नहीं, कंपनी नहीं, प्रोपरेटरशिप नहीं, कोऑपरेटिव तरीका क्या, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल बना के आपस में प्रॉफिट शेयर करना। तो कोऑपरेटिव तरीके से काम करने के लिए किसी व्यक्ति ने एक सोसाइटी बनाई, इस सोसाइटी का या तो इकोनॉमिक पर्पस होगा या सोशल होगा या फिर आपका कल्चरल होगा, कोई भी गोल हो सकता है। अगर इनका इकोनॉमिक गोल है और इकोनॉमिक में भी अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराती है या बैंक की बात करती है तो उसी सोसाइटी को फिर हम बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक। तो आप ध्यान रखिएगा, इस कोऑपरेटिव बैंक में मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ, कॉम्प्रेहेंसिव वीडियो, उसमें जाकर भी आप देख सकते हैं। मैंने आपको तीन चीजें इंपॉर्टेंट बताई है, वापस से थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको तीन ही चीजें बताई है अभी तक।
कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहकार, और सहकार का मतलब है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल कॉमन गोल के लिए जुड़ जाए। अब वो ग्रुप ऑफ पीपल क्या करेंगे, किसी कॉमन गोल के लिए जब जुड़ेंगे तो वो ग्रुप ऑफ पीपल एक सोसाइटी बनाएंगे, और इसी को हम बोलते हैं सहकारी समिति। और इस सहकारी समिति का उद्देश्य तो इकोनॉमिक होगा, सोशल होगा या कल्चरल होगा। अब जब इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल इनका होगा, तो अगर हम उसमें सिर्फ इकोनॉमिक की बात करें, और वो इकोनॉमिक में भी अगर कोई सोसाइटी बैंकिंग बिजनेस में आ जाए, डिपॉजिट लेने लग जाए, लोन देने लग जाए, पेमेंट सिस्टम का हिस्सा हो जाए, तो वो कहलाता है कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, ये जो कोऑपरेटिव तरीका है, कोऑपरेटिव बिजनेस करने का तरीका है, इसके तहत जो सोसाइटी बनाई जाती है, ये सोसाइटी रजिस्टर होती है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के यहां। सोसाइटी रजिस्टर होती है कहां पर, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और ये रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज कौन होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हर राज्य में एक व्यक्ति होता है जो राज्य सरकार नॉमिनेट करती है। हर राज्यों में कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग नियम है। तो अगर आपने कोई, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको बिजनेस कैसे करना है, आपको प्रोपर्टरशिप में जाना है, पार्टनरशिप में जाना है, कंपनी में जाना है या कोऑपरेटिव में जाना है। आपने सोचा मैं कोऑपरेटिव के तरीके से बिजनेस करूंगा, सारे मेंबर की मदद करूंगा, उसमें सबको प्रॉफिट बराबर बराबर मिलेगा, तो आपने कोऑपरेटिव जो है धंधे का माध्यम चुना। और जब आपने माध्यम चुन लिया तो आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को आपको रजिस्टर कराना पड़ा कहां पर, उस राज्य के रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के यहां। जब आपने राज्य के रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के यहां रजिस्टर करा लिया, तो आप अपना कोई भी इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल गोल ले सकते हैं और उसको पाने के लिए बात कर सकते हैं। अगर आपका इकोनॉमिक गोल है और वो भी बैंकिंग एक्टिविटीज है, तो फिर आपकी सोसाइटी कोऑपरेटिव बैंक कहलाएगी, और इस कोऑपरेटिव बैंक के लिए आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेना पड़ेगा। यानी एक जनरल कोऑपरेटिव सोसाइटी को तो केवल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी से ही लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन एक कोऑपरेटिव बैंक को जो इकोनॉमिक गोल अपने लिए सेट करता है या बैंकिंग के गोल सेट करता है, उसको आरबीआई से भी लाइसेंस लेना पड़ता है। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज अलग है, कोऑपरेटिव बैंक अलग है। अभी आपको पता होगा कि आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी डूब गई थी, तो आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी थी वो बैंक नहीं था। आदर्श कोऑपरेटिव बैंक तो अभी भी रनिंग में है। अभी थोड़े दिन पहले न्यूज आई थी कि महाराष्ट्र का एक पीएमसी बैंक डूब गया है, या डूबा नहीं था एक्चुअली, उसमें यह था कि 50,000 डिपॉजिट तक ही निकाल सकते थे, तो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक था वो सोसाइटी नहीं थी। राजस्थान का जो था वो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी। राजस्थान में आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है, आदर्श कोऑपरेटिव बैंक भी है, ये दोनों ही है। तो आप इनका फर्क समझिएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम कुछ भी हो सकता है, सोशल, इकोनॉमिक, कुछ भी, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक का काम सिर्फ इकोनॉमिक होगा और बैंकिंग एक्टिविटीज होगा, उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो अगर समझ में थोड़ा कम आ रहा है तो एक बार और वीडियो रिवाइज करके देखिएगा, मैंने आपको तीन ही टर्म समझाए, इन तीन टर्म समझेंगे तो आपको कभी भी उलझन नहीं होगी। कोऑपरेटिव एक बिजनेस करने का तरीका है, इस तरीके से अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप एक सोसाइटी बनाते हैं, वो सोसाइटी के कोई भी इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल गोल सेट कर सकते हैं, उसमें अगर आपका बैंकिंग गोल है तो कोऑपरेटिव बैंक बनेगा और उसको लिए आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब ये तो हुआ थ्योरिटिकल एस्पेक्ट, आपके एग्जाम से रिलेटेड क्या चीजें आती हैं या एग्जाम से रिलेटेड क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आज आपका दूर हो जाएगा जो कहां पर होता है, इसके स्ट्रक्चर में। कोई तो कोई आपका सिटी वाला बैंक है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई आपका एपेक्स बैंक है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कोऑपरेटिव बैंक का स्ट्रक्चर शेयर कर रहा हूं। कोऑपरेटिव बैंक, देखिए मैं अब सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक की बात कर रहा हूं, मैं सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूं। सोसाइटी का तो हमने बात ही अलग कर दी है, वो सोशल गोल के लिए अगर कोई सोसाइटी है तो वो छोड़ दीजिए। अब सिर्फ हम कोऑपरेटिव बैंक की बात कर रहे हैं और उन कोऑपरेटिव बैंकों की बात कर रहे हैं जो आरबीआई से लाइसेंस लेने की जरूरत इनको पड़ेगी। तो ये जो कोऑपरेटिव बैंक है, ये डायग्राम आप समझिएगा, इसमें आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अर्बन और रूरल ये दो में बटे हुए हैं, अर्बन और रूरल, यानी शहरी और ग्रामीण, ये दो तरह की सोसाइटीज हैं, शहरी है, ग्रामीण है। जो ग्रामीण है उसमें भी आपके दो तरह के हैं, एक है आपका लॉन्ग टर्म और एक है आपका शॉर्ट टर्म, यानी कम समय के लिए लोन देने वालों को शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव बैंक्स बोलते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए देने वालों को ज्यादा लंबे समय के लिए, जैसे लैंड के लिए, ट्रैक्टर वगैरह के लिए लोन दिया, तो उनको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। तो रूरल में ये है, अर्बन में ये है। पहले हम रूरल की ही बात कर लेते हैं क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है और उसमें भी शॉर्ट टर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें तीन है, तीन है। इसमें क्या है, एक तो सबसे पहले है एपेक्स बैंक,
या इसको हम बोलते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। यह हर राज्य में एक ही होगा और अभी भारत में कुल मिलाकर 33 है। इसके बाद जो जिला लेवल पर है वो तो बहुत सारे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, आपने सुना होगा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। इसके बाद में आपका जो प्राइमरी कोऑपरेटिव, प्राइमरी कोऑपरेटिव ये एक स्ट्रक्चर है आपका रूरल के, रूरल के उसमें। तो सबसे पहले सबसे टॉप पर है एपेक्स, फिर है डिस्ट्रिक्ट और फिर है प्राइमरी। ये गांव में है, ये जिला लेवल पर है और ये राज्य के लेवल पर है। ये अभी भारत में टोटल मिलाकर 33 है। ये आपका तीन स्टेज वाला स्ट्रक्चर है और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और ऐसा भी बोला जाता है कि राज्य का जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है जो राज्य में एक ही होता है उसको क्या नाम से और बुलाया जाता है, तो उसको एपेक्स बैंक बोलते हैं, सबसे बड़ा बैंक। तो राजस्थान में भी इस तरीके का राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है और उसकी वैकेंसी भी थोड़े टाइम पहले आई थी, आपको पता होगा। और फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव और प्राइमरी कोऑपरेटिव। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में दो है, वो दो कौन कौन से है देखिए, लॉन्ग टर्म में दो नाम है। सबसे पहले है स्टेट कोऑपरेटिव एंड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक। पहले इनको भूमि विकास बैंक के नाम से जाना जाता था, लैंड डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी इनको इस नाम को बदल दिया गया है। अगर आपको ये नाम यहां पर ढंग से नहीं दिख रहा है तो मैं इसको दूसरी जगह लिख देता हूं, ये आप यहां पर देख लीजिएगा, ये SCARDB, इसको हम बोलते हैं स्टेट कोऑपरेटिव, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर लैंड डेवलपमेंट बैंक, एंड डेवलपमेंट बैंक। अगर आपको इसका चाहिए तो P फॉर प्राइमरी होगा, तो यहां पर स्टेट की जगह PCARDB में प्राइमरी आ जाएगा। तो प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कभी आपको एग्जाम में, या फिर हो सकता है कि फुल फॉर्म की बजाय केवल आपको एक ही टर्म पूछेगी इसमें, A क्या है, C क्या है, R क्या है, D क्या है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो रूरल में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में आपका दो है और शॉर्ट टर्म में आपके तीन है। अगर हम बात करें अर्बन की तो अर्बन में भी आपका देखिए दो है, एक को हम बोलते हैं शेड्यूल्ड और इसको हम बोलते हैं नॉन शेड्यूल्ड। और शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड में भी दो है, एक को बोलते हैं मल्टी स्टेट, एक को बोलते हैं सिंगल स्टेट। इसमें भी दो है, मल्टी स्टेट सिंगल स्टेट, मल्टी स्टेट सिंगल स्टेट। ये क्या है, अर्बन का मतलब शहरी, शहरी इलाकों में ज्यादातर इनकी सर्विस है। शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड, जिनको आरबीआई अपनी सेकंड शेड्यूल में ले लेता है उनको शेड्यूल्ड बोलते हैं, जिनको नहीं लेता है उनको नॉन शेड्यूल्ड बोलते हैं। ये शेड्यूल्ड करीब करीब 54 है अभी, लेकिन नॉन शेड्यूल्ड जो है, ये नॉन शेड्यूल्ड बहुत सारे हैं, करीब 1487 है। नॉन शेड्यूल्ड और शेड्यूल में क्या फर्क है मैं आपको बताता हूं। जो शेड्यूल्ड होते हैं उनका कोई एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, अगर वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया वो पूरा करते हैं तो आरबीआई उनको अपनी सेकंड शेड्यूल में शामिल कर लेता है, और उस सेकंड शेड्यूल में शामिल करने के बाद में उनको आरबीआई से लोन वगैरह दूसरी फैसिलिटीज मिल जाती है जबकि इनको नहीं मिलती है। क्राइटेरिया क्या होता है, दो तीन क्राइटेरिया आरबीआई ने दे रखे हैं कि एक तो आपका 750 करोड़ का बिजनेस हो नंबर एक, दूसरा आपका जो एनपीए का लेवल हो वो 5% से भी कम हो, तीसरा आपको 3 साल में लगातार कंटिन्यूस प्रॉफिट हुआ हो। ये ऐसे ही कुछ क्राइटेरिया इन्होंने शेड्यूल्ड के लिए बना रखे हैं। तो जो इस क्राइटेरिया को पूरा करेगा वो शेड्यूल्ड हो जाएगा, जो नहीं करेगा वो नॉन शेड्यूल्ड हो जाएगा। अब इसमें मल्टी स्टेट और सिंगल स्टेट क्या है, जिस कोऑपरेटिव बैंक का कार्य दो राज्यों में होगा या ज्यादा राज्यों में होगा उसको मल्टी स्टेट बोलेंगे, एक ही राज्य में होगा उसको सिंगल स्टेट बोलेंगे। तो सिंगल स्टेट के लिए एक ही राज्य से रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव के यहां से लाइसेंस लेना होता है, जबकि अगर आप दो राज्यों में है तो दो राज्यों के वहां से लाइसेंस आपको लेना पड़ता है, साथ ही साथ आरबीआई के लाइसेंस की तो जरूरत होती ही है। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा। और ये जो 33 बैंक की ये जो है ये गवर्नमेंट बैंक की ये बात होती है, रूरल का मतलब ये गवर्नमेंट है, ये राज्य सरकार के रिलेटेड बैंक्स होते हैं, और ये जो होते हैं ये प्राइवेट सेक्टर में बैंक होते हैं। तो आपका जो आदर्श कोऑपरेटिव बैंक है वो इस तरीके का बैंक है।
या अभी एक नया जो है सीकेपी, सीकेपी बैंक का लाइसेंस, सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया है, तो वो या तो शेड्यूल्ड होगा या नॉन शेड्यूल्ड होगा। तो आप आरबीआई की साइट पर जाकर दिसंबर 2019 की लिस्ट अपडेटेड है वहां तक आप देख सकते हैं कि कौन सा बैंक शेड्यूल्ड है, कौन सा नॉन शेड्यूल्ड है, कौन सा स्टेट वाला है, कौन सा ये वाला है, सारी चीजें वहां पर अवेलेबल है। चलिए हम आगे बात करते हैं कोऑपरेटिव के बाद में। जैसा कि हमने टाइप्स ऑफ बैंक कंप्लीट कर लिए हैं, तो टाइप्स ऑफ बैंक कंप्लीट करने के बाद में अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आज मैं उसका बेसिक्स स्टार्ट कर लेता हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम पूरा करेंगे। तो वो टॉपिक है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हिंदी में हम बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट बैंक, इसी के बारे में बात करते हैं, और इससे रिलेटेड कई दो तीन क्लास आपको करनी होगी जिसमें आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड सारी चीजें कवर हो जाएगी। अभी हम बेसिक फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है। तो सबसे पहले देखिए इसको ऐसा समझिए कि हर देश का एक केंद्रीय बैंक होता है जो वहां के दूसरे बैंकों को रेगुलेट करता है। जैसे अमेरिका में फेडरल रिजर्व सिस्टम है, भारत में उसी तरीके से एक केंद्रीय बैंक है जो दूसरे बैंकों को कंट्रोल करता है, उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में बोलते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से वहां के सेंट्रल बैंक होते हैं, केंद्रीय बैंक होते हैं जो वहां रेगुलेशन का काम करते हैं, तो उसी तरीके से भारत में भी ये है। तो इसका बेसिक फैक्ट अगर हम बात करें तो ये सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या सेंट्रल बैंक की लिख लीजिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एक हमारा नेशनलाइज बैंक का भी नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अलग है और ये भारत का केंद्रीय बैंक जो है वो एक अलग है, ठीक है। फिर आप ये लिख लीजिए कि ये रेगुलेटर है, रेगुलेटर ऑफ बैंक्स, यानी बैंकों का नियंत्रक है, ये नियंत्रक है, विनियामक लिख सकते हैं आप, और अच्छा टर्म विनियामक। फिर क्या बात कर सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो एस्टेब्लिशमेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो हुई है 1 अप्रैल 1935 को, लेकिन ये जो स्थापना हुई है वो हुई है आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के तहत हुई है। देखिए मैंने आपको पहले भी दूसरे एक्ट बताए हैं, वापस बता रहा हूं, एक मैंने एक्ट का जिक्र किया था पहले आपको, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। एक मैंने आपको किया था रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976, एक मैंने किया था आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरआरबी एक्ट, एनआई एक्ट, ये वाला आरबीआई एक्ट, और एक और एक्ट जो है आपका वो है बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव बैंक एक्ट 1965। वापस से पढ़ रहा हूं मैं, एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है जो जिसके अकॉर्डिंग बैंक काम करते हैं, एक आरआरबी यानी रूरल बैंकों के लिए 1976, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, एनआई एक्ट बोलते हैं इसको, एनआई को बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये पूरा एक चैप्टर है, मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, फिर बैंकिंग लॉज एंड कोऑपरेटिव बैंक एक्ट 1965, और एक आरबीआई एक्ट 1934। इन एक्ट में क्या होता है, इन एक्ट में इन संस्था से रिलेटेड सारी बातों का जिक्र होता है, कैसे अपॉइंटमेंट्स होंगे, कितने लोग होंगे, किस कौन कौन से पद होंगे, किस पद पर किसको नियुक्त कैसे किया जा सकता है, कितना कार्यकाल होगा। वैसे ही 70-80 पेज का आरबीआई का एक्ट है, आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको वैसे भी गूगल पे मिल जाएगा कहीं पर भी, लेकिन वो इतना आपके काम का नहीं है, जो मेन क्रक्स है वो मैं बता रहा हूं आपको। दूसरा, ये जो आरबीआई एक्ट है 1934, इसके तहत इसकी स्थापना हुई, और इसका जो रिकमेंडेशन था, किसके रिकमेंडेशन पर ये स्थापना हुई इसकी, तो रिकमेंडेशन थी एक कमेटी की जिसका नाम है हिल्टन यंग कमीशन, इसकी इस रिकमेंडेशन पर आरबीआई की स्थापना हुई। फिर इसका नेशनलाइजेशन हुआ, तो राष्ट्रीयकरण आप लिख लीजिए कि इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ, इसका नेशनलाइजेशन हुआ है 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ। और एक और चीज है कि इसका जो फाइनेंशियल ईयर है, थोड़े दिन पहले मैंने करंट का जीके का वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं वित्तीय वर्ष। तो इसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो चलता है 1 जुलाई से 30 जून, यानी नया साल जैसे आपके चलता है कहां पर 1 जनवरी से 31 दिसंबर, और जो बनिए होते हैं जो दिवाली के हिसाब से नया साल चलाते हैं उनका एक अलग चलता है,
आपका जो इनकम टैक्स अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से 30 जून का होता है। तो ये बेसिक फैक्ट मैंने आपको बताया। एक और लिख लीजिए ज्यादा से ज्यादा आप कि इसका हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में है, इसका हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में है, महाराष्ट्र मुंबई में है। तो ये बेसिक फैक्ट मैंने बताया, इन एक्ट के बारे में आप याद रखिएगा। अब इसके बारे में दूसरी चीजों के बारे में हम जानते हैं और उसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके वर्किंग, इसके फंक्शंस, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में क्या है, सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मैनेजमेंट है, का जो कंट्रोलिंग है, वो एक बोर्ड के माध्यम से होता है। तो आरबीआई बोर्ड में कौन कौन से लोग हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और कितने लोग हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें एक तो गवर्नर है, आप पॉइंट नंबर एक मत समझिएगा, मैं पर्सन लिख रहा हूं, नंबर ऑफ पर्सन। तो गवर्नर कितने हैं इसमें, एक गवर्नर होते हैं एक, और अभी है कौन, शक्तिकांत दास, जो भारत के भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर है, 25th गवर्नर है। इसमें आपके चार होते हैं डिप्टी गवर्नर, चार होते हैं डिप्टी गवर्नर। इसमें आपके 10 होते हैं लोकल बोर्ड, सॉरी चार लिखिएगा, चार नॉमिनेटेड बाय द लोकल बोर्ड, लोकल बोर्ड नॉमिनेटेड। देखिए मैं क्या बात कर रहा हूं, सबसे पहले देखिएगा, इसमें आरबीआई का बोर्ड है, ये कंट्रोल करता है, ये मैनेज करता है कैसे चलाना है चीजों को। उसमें गवर्नर होते हैं, गवर्नर एक होता है, एक ही गवर्नर है, वो है शक्तिकांत दास। फिर मैंने बताया डिप्टी गवर्नर, डिप्टी गवर्नर चार होते हैं, अभी फिलहाल तो 3 है, और वो चार डिप्टी गवर्नर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है। अगर आपको जानना है इनका कार्यकाल, तो इनका कार्यकाल होता है नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर, यानी इनका जो कार्यकाल है वो 5 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता है। और अगर 5 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये समझिएगा कि अगर आपने किसी व्यक्ति को 3 साल के लिए अपॉइंट किया अभी फिलहाल, तो उसका 2 साल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में 5 साल नहीं होगा, 5 साल होने के बाद उसको वापस नियुक्त किया जा सकता है। तो नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर इनका कार्यकाल होता है। और मैंने बताया कि चार मेंबर आपके कहां से आते हैं, लोकल बोर्ड से आते हैं, और इसके अलावा जो 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और इसके अलावा 18, 20 और 2 जो है आपके फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री है, यानी वित्त मंत्रालय से 2 लोग आते हैं। तो ये इतने सारे लोग मिलकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोर टीम है और उसको चलाते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री में आप एक लिख लीजिए, एक अपॉइंटमेंट अभी जस्ट हुआ है, ये आपके करंट का भी क्वेश्चन बनेगा, तरुण बजाज। एक पहले तो है ही देवाशीष पांडा, तो देवाशीष पांडा पहले से है वहां पर, लेकिन एक नए जो बने हैं वो है तरुण बजाज। तो रेवेन्यू सेक्रेटरी है और इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी है, तो तरुण बजाज और देवाशीष पांडा ये दोनों लोग जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री से अपॉइंटेड हैं, और ये नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 10 लोग, लोकल बोर्ड से 4 लोग, डिप्टी गवर्नर 4, गवर्नर 1। ये सारे लोग आरबीआई का बोर्ड बनते हैं और यहीं से इसका काम चलता है। ये जो मैंने लोकल बोर्ड बताए हैं, आरबीआई के 4 लोकल बोर्ड हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। तो 4 लोकल बोर्ड से ये लोग आते हैं और ये मिलाकर टोटल 21 लोग होते हैं, इनके द्वारा ये बोर्ड चलाया जाता है। अब इसके बारे में कुछ जनरल फैक्ट्स देख लेते हैं और उनके बारे में बात कर लेते हैं। आप एक काम करिएगा, अगर आप वास्तव में ये वीडियो देख रहे हैं और इसको एंजॉय कर रहे हैं, तो मुझे आज मैं आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मुझे लगा कि 4-5 क्वेश्चन मैं पूछता हूं तब कोई जवाब ही नहीं होता है, क्योंकि 4-5 पूछ ले जाते हैं। अब आपको सिर्फ मैं आपको एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं आज कि आप बताइएगा कि 4 डिप्टी गवर्नर कौन है। सर्च करके आरबीआई की साइट पर जाकर, या याद है तो मुझे बताइएगा कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कितने हैं। यहां पर मैं लिख दूंगा, लेकिन ये चेंज होते रहते हैं, अभी वैसे 3 ही है, ध्यान रखिएगा, और एक नए बने हैं, उनका नाम जो है जरूर मैं आपके लिए बता देता हूं, माइकल देव पात्रा। तो माइकल देव पात्रा तो मैंने बता दिया है, 4 में से 1, अब बचे 2 केवल, क्योंकि अभी 4 नहीं है। तो इन दोनों के नाम आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर,
ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बारे में हम बात करते हैं। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बारे में क्या, गवर्नर के बारे में मैं बात कर रहा हूं। फर्स्ट गवर्नर कौन थे आरबीआई के, तो उनके बारे में बात कर रहा हूं, ऑसबॉर्न स्मिथ जो है वो पहले गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि फर्स्ट इंडियन कौन थे, पहले भारतीय कौन थे, तो उनके बारे में आप लिखिएगा सीडी देशमुख। अगर आपको बोला जाए कि अभी कौन है प्रेजेंट, तो मैंने आपको बता दिया है, प्रेजेंट है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास इससे पहले कौन थे प्रीवियस, तो उनका नाम है उर्जित पटेल। इसके बाद अगर आपको पूछा जाए कि गवर्नर टू पीएम बने वो कौन थे, गवर्नर टू पीएम बने वो थे मनमोहन सिंह। ये क्वेश्चन है, आपका आ सकता है कभी, 1982 से 85 के बीच में गवर्नर थे तो मनमोहन सिंह, ध्यान रखिएगा। एक्चुअली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सबसे बड़ी जो पोस्ट है और सबसे पावरफुल जो पोस्ट है, सबसे ज्यादा राइट्स वाली जो पोस्ट है, वो है गवर्नर। तो गवर्नर से रिलेटेड एक आध फैक्ट आपको पूछा जा सकता है। जैसे एक बार एग्जाम में आया हुआ है कि लॉन्गेस्ट सर्व किसने किया है, लॉन्गेस्ट किसने सर्व किया है, तो ये जो लॉन्गेस्ट सर्व करने वाले हैं उनका नाम है बेनेगल रामाराव। इन्होंने 7 साल तक सर्व किया था। इसके बाद अमिताव घोष जो है शॉर्टेस्ट, सबसे कम टाइम में सर्व करने वाले जो हैं, वो हैं अमिताव घोष। ये रिजर्व बैंक के गवर्नर के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब हम बात करेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्किंग क्या है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की काफी सारी वर्किंग है, उसके बारे में हम बात करते हैं। इनको आप देख लीजिएगा, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कभी आ सकती है। तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। मैं आज जनरल जो है बता रहा हूं आपको क्या क्या फंक्शन है, एक एक फंक्शन को आपको एलोबरेट करना पड़ेगा, आरबीआई के फंक्शन। और इसके फंक्शन में सबसे पहले इश्यूअर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, यानी मॉनेटरी पॉलिसी का इश्यूअर। नंबर दो, इश्यूअर ऑफ करेंसी, मुद्रा जारी करता है, इश्यूअर ऑफ करेंसी मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है, मुद्रा जारी करता है। और ये ऐसे दो वर्क हैं जिनमें एक क्लास हमें इसमें लगेगी, एक क्लास कम से कम इसमें लगेगी। इसके अलावा तो बहुत छोटे हैं, जैसे बैंकर्स बैंक है, बैंकर्स बैंक, जैसे रेगुलेटर ऑफ द बैंक है, यानी बैंकों को रेगुलेट करता है, जैसे कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स, फॉरेक्स का कस्टोडियन है, जैसे एक काम और है, कस्टमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, यानी कस्टमर को एजुकेट करना, उनको प्रोटेक्ट करना भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम यही करता है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। और इसके अलावा आपका गवर्नमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव एंड बैंकर। देखिए ये सारे काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको समझेंगे तो हमारा बैंकिंग का 20% पार्ट कम से कम कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले इश्यूअर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, यानी मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है, इश्यूअर ऑफ द करेंसी जारी करता है, इश्यूअर ऑफ बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक है, बैंकों पे कंट्रोल करता है, रेगुलेटर ऑफ द बैंक, इन दोनों में थोड़ा फर्क है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स, यानी फॉरेन रिजर्व, फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स को क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज, तो फॉरेन एक्सचेंज का कस्टोडियन है। कंज्यूमर्स या कस्टमर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को मेंटेन करता है, गवर्नमेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव एंड बैंकर है। ये सारी चीजें जो है ये आरबीआई के फंक्शन में आती है, एक एक करके हम इनको जानेंगे और पढ़ेंगे। इसमें सारी चीजें आपकी आ जाएगी, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कब आती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, उसके पर्पस क्या है, अभी कब आई है, इससे रिलेटेड रेट, SLR, CRR, बैंक रेट, रेपो रेट, MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग रेट,
सब आ जाएंगे, इश्यू ऑफ द करेंसी में नोट्स के बारे में बताऊंगा, डिमोनेटाइजेशन के बारे में बताऊंगा, बहुत सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो इंतजार करिएगा नेक्स्ट वीडियो का। मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा है, वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 4 में से 3 गवर्नर हैं, 3 में से 1 का नाम मैंने बता दिया है, 2 नाम और कौन से हैं उनके बारे में आप बताइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।